हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 3rd of May को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो एशियन पेंट्स जितनी बहुत दिनों से हमें इस कैंडल का इंतजार था, आज वो कैंडल बन गया है। ये सारे लेवल को ब्रेक करते हुए और हम लोगों को 2920 का लेवल ब्रेक करके ऊपर के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उनको हिट किया, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडल बनना था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बन गया होगा। अभी हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ब्रेकआउट मिल गया है, अब इसको कल के दिन फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, तब जाके यहाँ पे बहुत से लोगों ने एंट्री ले ली होगी, बहुत से लोगों ने एंट्री नहीं ली होगी। तो जैसा कि देखिए, बहुत बड़ा शेयर है, अगर वन डे में इतना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम हो गया है तो हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे 3000 के आसपास भी ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग ही नीचे दे देगा। इनसाइड कैंडल क्लोजिंग मिलने की ज्यादा चांसेस रहेगा, या फिर अगर थोड़ा सा इसके अंदर भी 2975 के अंदर भी ओपनिंग होता है तो भी यहाँ पे कॉल्ड कैंडल बन सकता है। तो कल के दिन अगेन एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन में ये 4% के आसपास मूव हो चुका है। तो कल के दिन एक हॉल्ड कैंडल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3000 एक ग्राउंड लेवल भी पास में है और ये अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन मिल गया है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर ऊपर से अगर इनसाइड कैंडल बनता है यहाँ पे तो हो सकता है ये जो ब्रेकआउट लेवल है 2920 के आसपास का, ठीक है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे बनने के बाद हो सकता है फिर से एक अगेन मोमेंटम मिले जिसको जो इसको 3040 के आसपास लेके जाए, जो अपना हमारा हम लोगों का पहला यहाँ पे टारगेट हुआ करता था। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट लोड हो जाने देते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो कैंडल था इसका लो यहाँ पे ब्रेक करके जब ऊपर की ओर कैंडल क्लोज हो जाता है तो किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न काम करता है। क्योंकि जितने भी बायर्स पहले थे उनको यहाँ पे निकाल दिया, लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर की ओर मिल गई, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है। अब ये मान के चल सकते हैं कि जो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था इस तरीके का ट्रेंड, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब हो सकता है ये ऊपर की ओर निकले और ऊपर की ओर 3400 और 3600 के आसपास ये जाए। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जैसा कि हमने बात किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने कम क्वान्टिटी पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, अभी कल का दिन है, कल का दिन अगर 33,000 के नीचे ही क्लोज होता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में 3000 का ब्रेकआउट होता है तो जाके इस क्वान्टिटी पे और क्वान्टिटी ऐड कर सकते हैं। एसएल यहाँ पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि टारगेट यहाँ पे बढ़ा है, इसलिए क्वान्टिटी आपको हमेशा मैनेज करना पड़ जाएगा। इस सिचुएशन में कभी भी कोई भी डिसीजन लें उसमें एक एसएल जरूर लगाएं, बिना एसएल का कोई भी यहाँ पे ट्रेड प्लान मत करें। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट में ही बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोग को एक ओपनिंग के बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला, ठीक है। मोमेंटम मिलने के बाद कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर की ओर गया है। अब चूंकि मैं बोल रहा था कि ये 2870 के आसपास से, ठीक है, जैसे ही 2980 के आसपास गया, यहाँ पे रुका और उसके बाद वन वे मोमेंटम किया है, तो कल के दिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। अब कल के दिन अगर इसी रेंज में कहीं भी ओपन हो जाता है तो इसके लिए ये 3000 का लेवल ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक के दिन मोमेंटम हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में एक हॉल टाइप कैंडल सिचुएशन बन सकता है और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना सकता है। अगर यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेकआउट मिलता है तो 3000 के आसपास से हो सकता है सेलिंग मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एंड ये नीचे की ओर क्लोजिंग दे दे। ऐसे सिचुएशन में ऐसे प्रोबेबिलिटी के हायर केसेस होते हैं बहुत ही, क्योंकि ये बड़ा शेयर है, ठीक है। बड़े शेयर में एक बार बड़ा कैंडल बन गया तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। छोटा शेयर होता है तो यहाँ पे फॉलो अप इसको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है क्योंकि आज के दिन ऑलरेडी मोमेंटम हो गया है। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।